दोस्तों आईएएस की परीक्षा में एक लड़की से पूछा गया ये सवाल, सुनकर रह जाएंगे आप भी दंग। जी हाँ दोस्तों, लड़की के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो शादी से पहले होती है और शादी के बाद भी, लेकिन शादी वाले दिन नहीं होती। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सोच की वजह से ही दूसरों से अलग बन सकते हैं। कुछ लोगों का दिमाग हमेशा गलत सोच के कारण उन्हें अलग नहीं रख पाता, वही कुछ लोग अपनी सीधी सोच के कारण अलग दिखते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? दरअसल आप सभी लोगों को काफी अच्छी तरह से पता होगा कि भारत में आईएएस की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके बारे में सोच कर ही आपकी नींद उड़ जाए। आपको बता दें, इन सभी परीक्षाओं में मुश्किल और सबसे कठिन परीक्षा आईएएस की होती है। आईएएस की परीक्षा की अगर हम बात करें तो ये सबसे मुश्किल परीक्षा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आईएएस के इंटरव्यू में ऐसे बहुत अटपटे सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईएएस की परीक्षा में एक लड़की से पूछा गया कि अगर आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? तो लड़की ये जवाब दे गई। जी हाँ दोस्तों, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस लड़की ने ये कहा कि वो सुनकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले अपने पति को बताएगी और पूरी फैमिली को सेलिब्रेट करने को कहेगी। तो दोस्तों ये था सही जवाब। दूसरा सवाल था दो बच्चों से जुड़ा हुआ। दो जुड़वा बच्चे, एक का नाम अविनाश और दूसरे का राघवेंद्र, वो दोनों मई में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका जन्मदिन जून में पड़ता है, ऐसा कैसे संभव है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि मई एक जगह का नाम है। तीसरा सवाल था, लड़की के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो शादी से पहले भी होती है और शादी के बाद भी, लेकिन शादी वाले दिन नहीं होती। तो दोस्तों लड़की का सरनेम, जी हाँ दोस्तों, शादी से पहले लड़की का सरनेम उसके पिता का होता है, शादी के बाद पति का सरनेम उसका सरनेम हो जाता है, लेकिन शादी वाले दिन कंफ्यूजन होती है कि आखिर उसका सरनेम क्या है। तो दोस्तों ये था सही जवाब आईएएस की परीक्षाओं का, जो सुनने में थोड़ा अटपटा तो जरूर है, लेकिन अपने दिमाग से और सूझबूझ से सही जवाब है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें रहस्य मैक्स।